क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। हमको इंटीग्रेट करना है अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर। इसका इंटीग्रल तो इसमें हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद देखते हैं कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लग रहा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीन फार्मूला है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर दिस इक्वल टू, हम लोग सबसे पहले माइनस कामन लेके एक्स स्क्वायर का जो गुणांक प्लस 1 कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 हो जाएगा। ये दोनों माइनस में प्लस में हो गए और 1 हमारा प्लस में था तो माइनस में। अब ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए तो हमेशा लिखेंगे, यहाँ पे जो x का गुणांक होगा हमेशा उतना बाई 2, ये हमारा b हो जाया करेगा क्योंकि यहाँ से 2 से गुणा किए हैं तो 2 से भाग देते ये बैलेंस करने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा b, यानी ये 2 है तो 2 का स्क्वायर जोड़ दिए, 2 का स्क्वायर घटा दिए तो दिस इक्वल्स टू माइनस। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो गया और माइनस 5 को हम लोग लिख दिए रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस से अगर हम लोग अब मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर वाला टर्म प्लस में और x प्लस 2 का होल स्क्वायर वाला टर्म माइनस में। तो 1 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये अपना रिप्लेस कर देंगे तो दिस इंटीग्रल ये हमारा हो गया रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का ये हो जाता अगर यहाँ x प्लस 2 की जगह पे x होता तो x प्लस 2 बराबर टी मान लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल ही हमारा कन्वर्ट हो गया अंडर रूट ऑफ रूट 5 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा क्या x बाई 2 इंटू जिसका इंटीग्रल करना होता है वो तो फार्मूले में रहता ही है इसमें, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और 1 अपान इसका इंटीग्रल यानी 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएं अगर तो यहाँ पे एक्स की जगह पे तो हमारा टी है और ए की जगह पे हमारा रूट 5 है तो दिस इक्वल्स टू एक्स बाई 2 यानी टी बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है रूट 5 तो रूट 5 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी बाई रूट 5 प्लस सी। अब टी इक्वल टू हम लोगों ने माना था एक्स प्लस 2 तो टी की जगह पे एक्स प्लस 2 इसमें रख देते हैं तो एक्स प्लस 2 बाई 2 और ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और माइनस टी की जगह पे एक्स प्लस 2 प्लस 5 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 बाई रूट 5 प्लस सी। ये 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है हमारा वही तो है 1 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर तो इसकी जगह पे वो लिख लेंगे हम लोग तो x प्लस 2 बाई 2 दिस इक्वल टू x प्लस 2 बाई 2 और ये हमारा तो वही है 1 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई रूट 5 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 5th नंबर का। अगला क्वेश्चन करते हैं 6th। सिक्स नंबर है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो सबसे पहला काम इसको पूर्ण वर्ग बनाने का होगा
तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी की जगह पे एक्स का जो गुणांक होगा ये बाई टू हमारा बी हो जाएगा। तो ये दो है, इसका मतलब दो का स्क्वायर जोड़ दे और दो का स्क्वायर घटा दे और माइनस फाइव था, तो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल के ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस फोर माइनस फाइव नाइन हो गया, तो नाइन को हम लोग लिख देंगे थ्री का स्क्वायर। तो अपना इंटीग्रल दिस इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स प्लस टू की जगह पे हम लोग टी रिप्लेस कर देंगे, एक्स प्लस टू बराबर टी, डिफ्रेंसिएशन करें तो डी एक्स बराबर डी टी। तो दिस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर डी टी। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू एक्स इंटू जिसका इंटीग्रल करना रहता है ये रहता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस फार्मूले में माइनस होता है वन बाई टू ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इक्वल्स टू यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x की जगह पे t है और a की जगह पे 3 है, तो दिस इक्वल्स टू t बाई टू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर लॉग x यानी t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस सी। तो t की जगह पे हम लोग माने हैं x प्लस टू को, तो यहाँ पे x प्लस टू रख देंगे, तो x प्लस टू बाई टू अंडर रूट x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन बाई टू लॉग x प्लस टू प्लस अंडर रूट x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन प्लस सी। तो थोड़ा सा और इसको सुधार करके लिखें तो एक्स प्लस टू वाई थ्री इंटू अंडर रूट ये हमारा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, वही हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव माइनस नाइन बाई टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव का मॉडुलस प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया हम लोगों का। सेवन नंबर करते हैं, अंडर रूट वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। तो इसको सबसे पहला काम हम लोग पूर्ण वर्ग में बदलेंगे, तो वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग क्या कर लेते हैं पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस हो गया और माइनस थ्री एक्स माइनस वन, तो दिस इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए, बाकी एक्स का गुणांक थ्री है तो उसका बटा टू हमारा क्या हो जाएगा बी, और बी का स्क्वायर जोड़ देंगे और बी का स्क्वायर घटा देंगे, तो थ्री बाई टू का स्क्वायर जोड़ दिए घटा दिए तो माइनस वन हमारा था। तो दिस इक्वल्स टू माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन बाई फोर माइनस वन। तो दिस इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर और ये माइनस थर्टीन बाई फोर हो जाएगा, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टीन बाई फोर को रूट थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर ये रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो दिस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर डी एक्स। एक्स माइनस थ्री बाई टू इक्वल्स टू टी, तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो दिस इंटीग्रल बिकम अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फार्मूला पहले लिख देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए स्क्वायर और वन अपान इसका इंटीग्रल, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की जगह पे हमारा क्या है, रूट थर्टीन बाई टू और एक्स की जगह पे टी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा अंडर रूट थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू, अब फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, वन बाई टू इंटू टी अंडर रूट ऑफ रूट थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस वन बाई टू, ए हमारा क्या है रूट थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर साइन इनवर्स टी बाई ए हमारा क्या है रूट थर्टीन बाई टू प्लस सी। दिस इक्वल्स टू वन बाई टू, अब टी की जगह पे हम लोग लिख देंगे एक्स माइनस थ्री बाई टू, तो एक्स माइनस थ्री बाई टू अंडर रूट ऑफ रूट थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ये हमारा वही है वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो लिख देते हैं, प्लस रूट थर्टीन बाई टू, सॉरी थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर तेरह बटा चार हो गया और ये प्लस तेरह बटा आठ हो गया और साइन इनवर्स ये टू ऊपर चला जाएगा, तो टू इंटू एक्स माइनस थ्री बाई टू अपॉन रूट थर्टीन प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब एट देखते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का इंटीग्रल करना है, तो इसके लिए भी वही काम, पहले हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए और जो एक्स का गुणांक होगा उसका बटा दो हमारा बी हो जाएगा। अब ये बी हो गया तो बी का स्क्वायर जोड़ देंगे, यानी थ्री बाई टू का स्क्वायर जोड़ दिए और थ्री बाई टू का स्क्वायर घटा दिए, बाकी तो कुछ है नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर ये बचा रह गया। तो दिस इंटीग्रल इक्वल टू ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स प्लस थ्री बाई टू की जगह पे हम लोग टी, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर डी टी। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इसका फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दिस इक्वल्स टू, तो एक्स की जगह पे टी है तो वन बाई टू टी इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ए की जगह पे थ्री बाई टू है तो थ्री बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू लॉग टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस सी। अब टी की जगह पे एक्स प्लस थ्री बाई टू हम लोग रख देंगे तो वन बाई टू इंटू एक्स प्लस थ्री बाई टू और अंडर रूट टी, यहाँ पे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा यही मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ये नाइन बाई एट, नाइन बाई एट लॉग एक्स प्लस थ्री बाई टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
अगर हम लोग इसमें दिस इक्वल्स टू 2x + 3/4 अंडर रूट x² + 3x - 9/8 log x + 3/2 प्लस अंडर रूट x² + 3x + c। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका अंडर रूट ऑफ 1 + x² / 9 इसका इंटीग्रल करना है हमको। तो 1 + x² / 9 को हम लोग पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 + x² / 9 दिस इक्वल्स टू, अगर हम लोग एलसीएम लें तो ये 9 + x² / 9 हो जाएगा, और अगर अंडर रूट में ही रखें तो नीचे से हमारा जो है 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये 9 + x² हो जाएगा। अब 9 + x² को हम लोग पूर्ण वर्ग में बदलते हैं, तो ये क्या है, सीधा सीधा हो गया हमारा x² + 3 का स्क्वायर। तो दिस इक्वल्स टू 1 + x² / 9 की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे। चलिए कर लेते हैं यहीं पे, ये हो गया 9 + x² / 9 का अंडर रूट डी एक्स। दिस इक्वल्स टू, 9 हमारा अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो 3 बाहर आएगा, और अंडर रूट ये हमारा हो जाएगा x² + 9 की जगह पे 3² dx। अब अंडर रूट x² + a² का फार्मूला लगेगा हमारा, अंडर रूट x² + a² dx इक्वल टू 1/2 × x, और जिसका इंटीग्रल करना है ये x² + a² + a² / 2 और 1/√x² + a² का इंटीग्रल log x + √x² + a² + c। तो ये फार्मूला यहाँ पे अगर हम लोग लगाएं तो 1/3 तो हमारा पूरे इंटीग्रल से बाहर रहेगा। अब इसका 1/2 × x और अंडर रूट ऑफ x² + a² यानी यही हमारा x² + 9 + a² / 2, a की जगह हमारा 3 है तो 3² / 2 log x + √x² + 3² + c। तो दिस इक्वल्स टू, अगर 1/3 हमारा मल्टीप्लाई हो गया तो ये 1/6 × x और ये अंडर रूट x² + 9 + 9/9 1 हो गया, और 1/3 हमारा इधर मल्टीप्लाई आया तो 1/3 log x + √x² + 9 + c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा a² / 2 होगा तो a की जगह हमारा 3 है तो ये by 2 होगा, तो ये 9/2 होगा और ये 1/3 जाएगा मल्टीप्लाई में, देखिए तो ये 3/2 बचेगा यहाँ पे, 3/2, क्योंकि a² / 2 a की जगह 3 है तो 3² / 2, तो 1/3 मल्टीप्लाई जाए तो 1 3 3 कैंसिल होगा, 3/2 बचेगा हमारा। ये आंसर हो गया 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। 10 है आपका अंडर रूट ऑफ 1 + x² dx। तो ये तो हमारा पूर्ण वर्ग पहले से बना ही है, तो अंडर रूट ऑफ x² + 1 का स्क्वायर dx। तो अंडर रूट x² + a² का फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ x² + a² dx इक्वल टू 1/2 x * √x² + a² + 1/2 a² और 1/√x² + a² का इंटीग्रल log x + √x² + a² + c।
तो ये फार्मूला लगा देंगे हम लोग सिंपली, तो 1/2 इंटू एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 ए की जगह पे 1 है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो दिस इक्वल्स टू एक्स बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ख़त्म हो गया। इलेवन नंबर देखते हैं। इलेवन में हमको इंटीग्रेट करना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को हम लोग पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए। अब जो x का गुणांक यहाँ पे 8 है उसका बटा 2, यही हमारा b हो जाएगा, यानी 8/2 4 हो गया। तो 4 का स्क्वायर जोड़ दिए, 4 का स्क्वायर घटा दिए तो बैलेंस हो गया, और बाकी प्लस 7 तो हमारा पहले से था। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, ये हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, और b की जगह पे 4 है तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 16 प्लस 7 तो ये माइनस 9 बचा, तो माइनस 9 को हम लोगों ने माइनस 3 का स्क्वायर लिख दिया। तो दिस इंटीग्रल हमारा ये हो गया अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dx। अब हम लोग जो फार्मूला डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, केवल x जो है हमारा x की जगह पे x माइनस 4 पुट करेंगे जो फार्मूला होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इक्वल्स टू, हम लोग एक्स की जगह पे एक्स माइनस 4 रख के यही डायरेक्ट फार्मूला अगर लगा दें, क्योंकि एक्स माइनस 4 को टी मानेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी, फिर टी को एक्स माइनस 4 रखेंगे तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो एक्स की जगह पे एक्स माइनस 4 और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जिसका इंटीग्रल करना है हमारा, तो ये एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर, ए की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स की जगह पे हमारा एक्स माइनस 4 है प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस 4 और ये अंडर रूट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9/2 लॉग एक्स माइनस 4 प्लस ये हमारा जो लिखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी।